सतसंगत जी गज वज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज मैं श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे प्रकाश दिहाड़िया नू मुख रखदियां उन्हां दे जीवन उत्ते पंछी जात ला रहा। कृपा करके आप जी ने ध्यान नाल सुनना। कलगियां वाले, बाजां वाले, ताजां वाले, शमशीर बहादुर, सरबंसदानी, अमृत के दाते, संत सिपाही, सागर वर्गी विशालता, प्रभु वर्गी दयालता, सूरज वर्गे तेज, चंद्रमा वर्गी कोमलता, बादशाही जलाल, दरवेसां दे कमाल, कलम अते कृपान दे धनी, दिल दे गणी, तीरे रहमत, तीरे कियामत, संतां दे उभारक अते दुष्टां दे संघारक, कादरे हरकार, बेक सारा यार। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का जीवन काल 1606 तो लैके 1708 तक कुल 42 कु साल है, पर पैगंबरी अजमत दी परख काल सीमावां विच नहीं कीती जा सकती। दुनिया विच अनेका ही युग पुरश होए होंगे, पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गी आबा किते भी वेखण नूं नहीं मिलती। उन्होंने अपने जीवन दे हर पल विच लोकां नूं मनुख आउण दा अहसास कराया अते जो मणक नाल तुरना सिखाया। उन्हां दी मेहर दी नज़र निमाणियां नूं माण दिंदी है अते इंद्रपुरियां नूं ठुकराउण दी ताकत बख्शदी है। उन्हां दा जीवन अथाह है, अनंत है, भरपूर है, विस्माद है, निरभय है अते निरवैर है। ओह पर्वत हन, ओह दरिया हन, ओह बद्दल हन, उन्हां दा जीवन हर पक्ष विच बचित्र है। रब्बी याद विच ओह तूही विच गुआच जांदे हन। अपने आले दुआले हुंदा कहर वेख के उन्हां दीआं भवां तणदीआं हन अते ओह रोह भरी आवाज विच मजलूम दिलां नूं मरदानगी बख्शदे हन। अस किरपान खंडो खड़ग तुपकत बरेयर तीर, सैफ सरोई सहथी यह हमारे पीर। उन्होंने दुनियावी बादशाही दी थां रूहानी सल्तनत दी स्थापती कीती, जिथे चूहियां, पशुआं, मूर्तियां, मुर्दियां नूं पूजिया जांदा सी, पर अखौती नीवी जात दे किरती लोकां नूं नफरत कीती जांदी सी। चूहियां दी जूठ प्रसाद समझ के खाधी जांदी सी, पर शूद्र दे परछावे नाल पिटे जांदे सन। सहसतहीन होए भारती लोकां विच साहस शक्ति नूं पैदा करन लई उन्हां ने केसगढ़ साहिब दीआं पहाड़ियां ते केसरी झंडे चलाए, रणजीत नगारे ते चोटां लवाईआं, खालसाई फतेह दे बोलां नाल अते जंगी जकारिआं नाल धर्म युद्ध लई चाओ पैदा कीता। खालसाई फतेह दे बोलां नाल अते जंगी जकारिआं नाल पहाड़ियां गूंज उठीआं। खेरू खेरू होई समाज दी शक्ति नूं इकत्तर करके सूर वीर बचन के बली सूरमे सरदार बनाए। उन्हां दा बचन है, तन जियो तेह को जग मैं, मुखते हर चित मैं जुद्ध बिचारे, देह अनित ना नित्र है, जिस नाव चढ़ै पव सागर तारे, तीरज ताम बनाए एह तन, बुद्ध सो दीपक जियो जियारे, ज्ञान है की बढ़नी मनो हाथ ले, कातर ताकुत वार बहार है। कलगी तर दे शस्त्र दीन दुनिया दी रखिया लई ढाल अते जालमां लई काल सन। उन्हां अगे जो अड़दा सी ओही चढ़दा सी, जो शरण आउंदा सी उसनू प्यार नाल गले लगाउंदे सन। तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे पावन अस्थान ते खंडे बाटे दी दास दे के खंडे दी धार उत्ते चलण वाली कौम सिर जी, फिर आप उन्हां पासों अमृत दी दात लेके पंथ नूं सर्व उच्च पदवी प्रदान कीती। परम पेख तो न्यारे खालसे नूं ओह अपना गुरु तसवर करदे सन। खालसा खास कहाए सोई, जिसके हिरदय परम न होई, परम पेख ते रह न्यारा, सो खालसा सतगुरु हमारा। खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो सज्जन सूरा, यह मह रांचना मिथ्या पाखी,
पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। अवतारवाद का खंडन करदिया गुरदेव पिता ने स्पष्ट किया कि आदि अंत ए कह अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नीले दे शाह सवार प्रसादी हाथियां नू प्यार करन वाले ताजा बाजा शस्त्रा दे धारनी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे संबंधी कवि भाई संतोख सिंह बचन करता है कि जेकर गुरदेव पिता प्रगट ना हुंदे तां कुदरती समानता खत्म हो जानी सी, इस्लामिक एकता स्थापित हो जानी सी, देवी देव देहोरे मंदर बंद हो जाने सी अते बेदा पुराना दी कथा धरती तो खत्म हो जानी सी। छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती होवती कुचीलता कतेब न कुरान की। पाप ही पर पक जाते धर्म मत सक जाते वर्ण ग्रक जाते साहित विधान की। देवी देव देहोरे संतोख सिंगा दूर होते रीत मिट जाती कथा बेद न पुराण की। श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर मूरत ना होती जो पै करुणा निधान की। साईं बुल्ले शाह दे शब्दां विच ना कहूं आप की ना कहूं तब की बात कहूं मैं जब की अगर होते ना गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सब की। हकीम मिर्जा अल्लाह यार खां जोगी उन्हां दे संबंधी कुछ विचार आखदा है कि इंसाफ करे जी मैं जमाना तो यकीन है कह दे श्री गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। ये प्यार मुरीदों से ये सुफकत भी कहीं है भक्ति में गुरु अर्श है संसार जमी है। उस वक्त दा राज अते समाज ओना वल अखां पाड़ पाड़ के वेखदा है। पंडित नाई छिंबे च्योर खत्री जाट ब्राह्मण ये सारे ही अपने लेबल ला के आजाद हो गए। सारिया के सिरां उत्ते कलगिया ने सारिया के चेहरे दग रहे सन सारिया के हत्थां विच देख देख फतेह की बरकत है। उस वक्त के जरवाणे कदे पंगाणी अते कदे आनंदपुर सूरज का राह डकण वास्ते कालिया धाड़ा लैके पहुंच जाते सन पर वो सूरज हसदा दमका मारदा वादा जा रहा सी। उना दे सारे यतन अकारत हो गए पर वो सूरमा हाथ ना आ सकया। फिर उना ने ईमान कुरान भगवान दी सौं खादी के जेकर तुसी यह एक वेरा किला छड़ दोगे तां तुहानू कुछ भी नहीं आख्या जावेगा। पर गुरु साहिब नू पता सी के ए जो सोहा ने ए मर्दा दियां नहीं बल्कि लूंबड़ा दियां ने जिन्हां नू अपने बचना दी लाज रखण दा कोई भी फिकर नहीं हुंदा पर इह योधा सरसा नू चीर के चमकौर जा वड़दा है। किन्नियां ही मोह दियां तंदां सरसियों निखड़ गईयां पर इह 40 सरी सूरमे कच्ची गड़ी चमकौर जा वड़दे हन। हर पासे 10 लख दा घेरा है ते इह 40 सरी सूरमे इन्हां दे टाकरे विच बिल्कुल भी नहीं थिड़कदे ते राती योगा झकानी दे के आओ गया आओ गया आओ गया पर इह चानण दा हड़ काबू ना आ सकिया। अज कई सवाल करदे हन जां कदे गांधी ने सवाल कीता सी के श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने शस्त्र क्यों चुके। दस दईए के ओ किसे धर्म दे खिलाफ नहीं सन बल्कि उन्हां दे तां अनेका ही मुसलमान श्रद्धालु सन जिवें भीखन शाह निहंग खां आलम खां काजी पीर मुहम्मद गनी खां नबी खां स्लोवाला अते पीर बुद्धू शाह। ओ तां बल्कि जालमा अते जुलम दे विरुद्ध सन। उन्हां ने कहा है कि योधे नू रणभूमि विच अपने बचा लई अते विरोधी नू पछाड़न लई हथियार बंद होना पैंदा है। बलाचारगी दरमियां आमदंत बततबीर तीरो तुफंग आमदंत। साडे घर विच शस्त्र चुकना एक्शन नहीं बल्कि रीएक्शन है। जेकर कोई हीला बाकी ना रहे ता हथियार नू हथ पाउणा जायज है। चूकार अज हमा हीरते दरगुदस्त हलाल अस्त बर्दन बा शमशीर दस्त।
सियाने लोग शांति चाहते सन पर हथियारां दी पहरेदारी हमेशा हथियार ही करते सन। अणख स्वैमान गैरत दे रास्ते ते तुरदियां अनेकां ही मुश्किलां आउंदियां हन पर गुरदेव पिता हमेशा ही चढ़दी कला विच रहे अते उन्हां ने जफरनामा लिख के औरंगजेब नूं वंगार पाई। चिहान शुद्ध केचू बच गह कुश्त है चार के बांकी बिमादस्त पेची दा मार। ओ की होया जे तू मेरे चार पुत शहीद करवा दिते हजे कुंडलिया सब खालसा बाकी है जो तेरे पैरां हेठ अग बाल देवेगा ते तेरे घोड़िया नूं पंजाब दा पानी नसीब नहीं होना। चे मर्दी के अखगर खामोशा कुनी के आत्म दमारा बदोशा कुनी तू एक चंगियाड़ी नूं बुझा के की बहादरी कीती तू ता बल्कि बलदी अग नूं अपने मोढ़ियां तक होर उची कर दिता। उन्हां दे संबंधी एक आलम दे बहुत प्यारे बचन हन के है कोई अज दे युग विच गुरु ऐसा जो पुत निहां विच चणवा सके है कोई धर्म दा राखा धर्म दी खातिर अपने पिता नूं शहीद करवा सके है कोई इंजदा संत सिपाही जो लाश पुत दी उपर मुस्कुरा सके नहीं नहीं कोई नहीं ओ ता गुरु गोबिंद सिंह ही सी जो ऐसी बणत बना गया है अपने पिता अते ओ अनमुल्ले जहे चार दीवे ओ ता अपना सारा सरबस ही भेट चढ़ा गया है। तेरे नाल मैं दवा तशवीक आदि हर एक गल पई जापदी ओपरिए ढाके तेग नहीं पिता दी पसलिए पिछे ढाल नहीं पुत्र दी खोपड़िए ओदे एक हाथ बाज ओदे दूजे हाथ घोड़ा ओ ओदी वाट बहुत लम्मी ओदा समा बहुत थोड़ा ओदी वाट बहुत लम्मी ओदा समा बहुत थोड़ा ओदी वाट बहुत लम्मी ओदा समा बहुत थोड़ा। अखीर विच मैं अजिहे योधे नूं वार वार नमस्कार करदिया फतेह बुलाउना हां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।